नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहने वाले बयान पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से कर दी है और इसमें उचित कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। और राहुल गांधी के साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली के दौरान, राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उसके बाद उनकी जाति को यानी कि ओबीसी को आरक्षण मिल गया था, जबकि ऐसा नहीं है। बीजेपी ने दावा किया है कि उनकी जाति को 1999 से ही आरक्षण मिलता हुआ आ रहा है और इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने गुजरात के। इसको लेकर के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन से की गई है, बीजेपी ने उचित कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अब राहुल गांधी ने जो पनौती वाला बयान प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा था उसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन पर निशाना साधा है, तमाम नेताओं ने उनकी आलोचना की है और इसी कड़ी में सपा के कद्दावर नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी उन पर निशाना साधा है, उनकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि 2014 से दिख रहा है कि असल में कौन पनौती है। उन्होंने जमकर राहुल गांधी की खींचतान की और इसके बाद न सिर्फ सपा के कद्दावर नेता ओम प्रकाश राजभर बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी खूब आलोचना की, उन पर जमकर निशाना साधा। यहाँ तक कि उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि जब भी भारत की जीत होती है तो कांग्रेस खुश नहीं होती है, भारत की हार पर कांग्रेस वाले खुश होते हैं। क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सपा के नेता ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विश्व कप 2023 मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और 10 मैच लगातार जीते, लेकिन उसके बाद कांग्रेस जब ये 10 मैच जीते थे भारतीय टीम ने तो कांग्रेस तब कुछ नहीं बोली। उसके अलावा राजनीतिक मंच से राहुल गांधी द्वारा किसी को पनौती कहने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि वह स्वयं 2014 से पार्टी के लिए क्या साबित हो रहे हैं, यानी कि उन्होंने इशारों में खुद राहुल गांधी को ही पनौती कह दिया है। इसके अलावा इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था और पार्टी की क्या दशा हुई थी ये पूरा देश जानता है। यानी कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कहा था उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने उनको आड़े हाथों लेते हुए उनके जो राजनीतिक जो भी अब तक उठापटक रही है कांग्रेस में 2014 के बाद से लेकर के अब तक, उसको लेकर के सीधे निशाना साधते हुए उन्हें कांग्रेस के लिए क्या वो साबित हो रहे हैं और देश के लिए वो क्या साबित हो रहे हैं उस पर उन्होंने सीधे तौर पर तंज कसा, सीधे तौर पर बात की। और इसके अलावा प्रकाश राजभर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी इन्हें अनेक राज्यों में करारी शिकस्त मिली, यहां तक कि खुद 2019 में अपनी परंपरागत सीट को कांग्रेस नहीं बचा पाए। बड़ा बयान है ये, एक बहुत बड़ा बयान है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि 2019 में भी वो अपनी जो पारंपरिक सीट है अमेठी, राहुल गांधी उसे भी नहीं बचा पाए। अब इसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं राहुल गांधी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके इस बयान पर क्या कहा है। शिवराज सिंह चौहान ने इस पे कहा कि उस दिन पूरा देश देशभक्ति के जुनून से भरा था और चाहता था कि भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल जीते। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री मोदी से इतना डरते हैं और उनके प्रति इतनी नफरत रखते हैं कि भारत मैच हारता है तो वे जश्न मनाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि राहुल गांधी का ये कदम राष्ट्र विरोधी है, राहुल गांधी की नासमझी का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है और देश के लोग इसे माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जो कहा था राहुल गांधी अब उसे करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी जो महात्मा गांधी ने कहा था उसे करने के लिए अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के भी शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है और 2014 के बाद से उनकी जैसी स्थिति हुई है इसको लेकर के भी उन्होंने तंज कसा है। कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो राजनीतिक दशा इस वक्त हो गई है, साथ ही साथ राहुल गांधी की जो राजनीतिक दशा इस वक्त हो गई है उसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें आड़े हाथों लिया और पनौती वाले बयान पर उनकी जमकर आलोचना हुई। फिलहाल इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत कर दी गई है।
ओम प्रकाश राजभर और शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया है, उनको जमकर फटकार लगाई है और उनकी जमकर आलोचना की है। इस मामले में देखना ये होगा कि राहुल गांधी आगे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इससे भी अहम ये है कि इलेक्शन कमीशन इसमें क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देता है, क्या कुछ आगे कार्रवाई करता है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।